हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। मेरे प्रियजन, दोपहर में हमारा विषय आता है, विषय को ध्यान से देखें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और हम शाम को प्रार्थना डालते प्रार्थना के साथ उपस्थित होते हैं। मेरे प्रियजनों, उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना मेरे प्रियजनों। जब परेशान हो चुके हो, किसी गरीबी में हो, तकलीफ में हो, समस्याओं में हो, तो आज आपको आमीन बोल के कमेंट में बोलना है और हालेलुया बोलना है और परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। यदि आप परेशान हो चुके हो, लाचार हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशान हो, टूट चुके हो, निराश हो, उदास हो, बेचैन हो, डरे हुए हो, घबराए हुए, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर से बताना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, आपके आंसुओं को पहुंचेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को परमेश्वर जड़ से खत्म करेगा। मेरे प्रियजनों, आपको रोना नहीं, हताश नहीं होना, चिल्लाना नहीं है। यदि आप रो रहे हो, जूझ रहे हो, यदि आपको आशीष नहीं मिल रही है, यदि आप पवित्रताई के साथ, खराई के साथ नहीं चल पा रहे हो, आपसे पाप हो जाता है, गुनाह हो जाता है, अपराध हो जाता है, तो आज आपको इस प्रार्थना को लास्ट तक सुन लेना है और लास्ट में आमीन बोल के रिसीव करना है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। वो काम करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत मिराकल करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, उसने मौत को हरा दिया है, मृत्यु पर जय पा लिया है, मृत्यु को हरा दिया है, मृत्यु के डंक को हरा दिया है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो आज जीवित है, आज हम सभी के बीच में है, हम सभी के कामों को सफल करता है, वो महान है। यदि आपका काम बिगड़ चुका है, नहीं बन रहा है, बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब की तलाश में हो, नौकरी की तलाश में हो, आपका काम बंद पड़ा हुआ है, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, खाट पे पड़े हो, बेड पे पड़े हो, आज आपको यीशु मसीह से बोलना है। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे प्रियजनों, हमें यीशु मसीह के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम में पुकारना है, यीशु मसीह के नाम से बोलना है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, अद्भुत मिराकल करेगा, मिराकल मेरा परमेश्वर मिराकल करेगा आपके जीवन में, आपकी जिंदगी को बदलेगा, आपकी लाइफ स्टाइल को बदलेगा। यदि आपसे पाप हो गया है, गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है, तो आज आपको इसी समय यीशु मसीह के पास आना है और घुटने टेक के बैठ जाना है और अंगीकार करना है और पश्चाताप करना है और बोलना है, परमेश्वर मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गुनाह हो गया, मैं अब पाप नहीं करूंगा। और परमेश्वर की आत्मा आपको पवित्रता के साथ चलने में सहायता करेगी। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह का वचन कहता है, जो अपने अपराधों को छिपा लेता है उसका काम सबका भी सफल लेता है, जो अपने अपराधों को मान लेता है उन्हें छोड़ देता है उसके पर दया की जाएगी। मेरे प्रियजनों, उसके अपराधों को, उसके गुनाहों को मेरा परमेश्वर क्षमा करेगा, माफ करेगा। मेरे प्रियजनों, वो माफ करने वाला परमेश्वर है, माफ करेगा उन गुनाहों को, ढापेगा। यीशु मसीह का जिंदा लहू, वो पवित्र लहू, मेरा परमेश्वर उस लहू से आपको छुड़ाएगा, उस लहू से आपको मुक्ति देगा। वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है, इस प्रार्थना को सुन लेना, मेरा परमेश्वर आपको सफलता देगा, मेरा परमेश्वर आपको सफलता देगा। वो सफलता देने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा है, आप क्यों चिंता करते हो, आप क्यों परेशान हो, क्यों हताश हो, क्यों निराश हो, तुम मेरे पीछे हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करूंगा और तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को लास्ट तक सुन लेना है और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है। चलिए इन प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, आपके जय जयकार करते। मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे पिता सभी को जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे पिता, मैं इसके लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मेरे परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार वालों से वे बिछड़ गए होंगे, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। यीशु राजा, जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया है, छुटकारा किया है, एक अनंत काल का जीवन दिया है, नया जीवन दिया है, अमर जीवन दिया है, मेरे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, हम सभी मसीह भाई बहनों से पाप, गलती, गुनाह हुए हैं, अपराध हुए हैं,
पाप हुए हैं, मेरे परमेश्वर आप हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को, पापों को क्षमा कीजिए मेरे पिता, क्योंकि आप ही के पास ये अधिकार है कि आप हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं। यीशु राज, आप हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को, पापों को आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा दान कीजिए। यीशु राज, आप क्षमा दान कीजिए, आप क्षमा दान कीजिए हम सभी के अपराधों को। मेरे मालिक सृष्टिकर्ता राजा यीशु पिता, हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कीजिए। हम मानो जाते हैं हम सभी पाप में, गुनाहों में, व्यभिचार में गिर सकते हैं। मेरे परमेश्वर आप माफ कीजिए, आप क्षमा कीजिए राजाओं के राजा। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर उन बहनों के लिए, मेरे परमेश्वर जिन बहनों को बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, जिनकी कोखें बंद पड़ी हैं, उनकी कोखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है लड़की यहोवा देता है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से होता है। यीशु राजा, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, मेरे मालिक, मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में मांगते हैं गर्भ का फल इनके झोले में आ जाए मेरे परमेश्वर। बच्चे की आशीष आने पाए, बच्चे की आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी, आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आशीष दीजिए पवित्र आत्मा जी, आशीष देने परमेश्वर, आशीषों से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर जो गरीब हैं, जो लाचार हैं यीशु राजा, जो कमाने वाले नहीं है, जो 100-200 रुपए पर, 1000 रुपए पर ये उधार ले रहे, सहायता ले रहे मेरे परमेश्वर, ये किसी अन्य जातियों से उधार सहायता ना ले पाए मेरे परमेश्वर, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे परमेश्वर आपके पीछे आए मेरे पिता। आप इनका जीवन संभाल लीजिए, आप इनका जीवन संभाल लीजिए मेरे पिता, ये टूटने में खड़ने ना पाए, ये टूटने में खड़ने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें आशीष दीजिए, इनकी गरीबी दूर हो जाए, इनकी तंगी, इनकी परेशानी दूर हो जाए मेरे पिता। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएंगे आशीष के दरवाजे। मेरे पिता, मैं मांगता ढूंढता खटखटाता इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी यीशु नासरी के नाम से, यीशु के नाम में दूर हो जाए, दूर हो जाए। ये बहुत सारी जातियों को उधार देने लिए बन जाए यीशु नासरी के नाम में, ये बहुत सारी जातियों को उधार देने लिए बन जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, टूट चुके हैं, न कैंसर है, गिल्टिया है, ट्यूमर है, रसोलिया है, पथरिया है, नाना प्रकार की बीमारियां इनके शरीरों में जकड़ी हैं मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में उन बीमारियों को मैं डांटता हूँ, या आजाद हो जाए, इनका शरीर छोड़कर इन बीमारियां पाताल में, अधलोक में चली जाए यीशु मसीह के नाम में, अधलोक में उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर उन पति पत्नियों के लिए मेरे परमेश्वर, जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे पिता आप इन्हें एक तन बनाया है, इन्हें जोड़ा है, इन्हें मिलाया है मेरे परमेश्वर। शैतान इन्हें ना परखने पाए, जो लड़ाई झगड़े की गंदी स्प्रिट है इनके बीच में झगड़े को पैदा करती है, यीशु के नाम में मैं डांटता उस गंदी आत्मा को, मैं डांटता गंदी आत्मा को, दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं इनके जीवन से, इनकी लाइफ से उखड़ो, उखड़ो, पाताल में जाओ यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर जिन घरों में जादू टोना के बंधन कराए गए हैं, तंत्र मंत्र जादू विद्या काम कराई गई हैं, यीशु के नाम में उस जादू टोना को, काले जादू को, ब्लैक मैजिक को मैं जला के भस्म करता, मैं नष्ट करता यीशु मसीह के नाम में। जल के राख हो जाए, जल के राख हो जाए, राख हो जाए, राख हो जाए, राख हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में गंदी दुष्ट आत्मा डरती है। मेरे पिता, आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यीशु राज, आपके नाम से मांगते हैं मेरे परमेश्वर, इनकी जीवन शैली बदल जाए, हर एक जादू टोना जल के भस्म हो जाए, राख हो जाए, राख हो जाए, इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर जिनको सफलता नहीं मिले, जॉब नहीं मिले, नौकरी नहीं मिले मेरे परमेश्वर, इनकी नौकरी लग जाए, इनकी जॉब मिल जाए, इनकी तंगी परेशानी कंगाली दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर, आप आशीष देने जीवित खुदा, आप आशीष दीजिए, आप इन्हें फलवंत कीजिए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर जो मसीह भवन रात में नहीं सो पाते हैं, इन्हें डर लगता भलगता है मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भाना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद देगी। मेरे पिता, मुझे आशा विश्वास है पिता अपने प्राण को सुना है, ये छोटी सी मृत्यु उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन, 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 आमीन।